हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी टैलेंट विद नुसरत। आज जो मैं रेसिपी शेयर करूंगी वो है मैंगो ग्लेज की। मैंगो का सीज़न है तो मैंने सोचा चले मैंगो केक भी बनाया जाए, वो उसकी अलग से रेसिपी मैंने अपलोड कर दूंगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैंगो ग्लेज। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, क्या क्या चीज़ें जाएंगी। एक मैंने बड़े साइज़ का मैंगो ले लिया है जिसके मैंने चंक्स काट लिए हैं इस तरह से, और मैंने इसकी प्यूरी बना के रख ली है ताकि हमारा टाइम जो है वो बचत हो जाए हमारे टाइम की। तो एक प्याली के करीब जो है वो मैंगो प्यूरी मैंने ले ली है। साथ ही मैंने ये कॉर्नफ्लावर लिया है, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लेके 2 टेबलस्पून पानी में इसको मिक्स करके रख दिया है। 3 टेबलस्पून शुगर जाएगी और फूड कलर है येलो फूड कलर जाएगा थोड़ा सा। अपने कलर के हिसाब से आपको जितना चाहिए होगा उतना आपको कलर चाहिए होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये मैंने एक पैन रख लिया है और ये स्लो फ्लेम पर बनाएंगे सब कुछ। तो सबसे पहले मैं इसमें प्यूरी डाल दूंगी जो हमने पहले से बना के रखी हुई थी, इसमें डाल देंगे। स्लो फ्लेम पे बनाएंगे सब कुछ, साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें शुगर भी ऐड कर दूंगी, 3 टेबलस्पून जो शुगर है। शुगर भी गई और अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये जो मैंने मिक्सचर जो बना के रखा हुआ था कॉर्नफ्लावर का और पानी का, उसी के अंदर मैं फूड कलर मिक्स कर दूंगी और वो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे ताकि हमारा अच्छा सा प्यूरी का कलर आ जाएगा, वो साथ ही इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए कलर मैंने इसी में डाल दिया है, कॉर्नफ्लावर पानी में मिक्स करके, और फूड कलर भी डाल दिया है, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब देखें कितना अच्छा सा येलो सा कलर आ गया है। तो इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। तो चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये लगे नहीं, और स्लो फ्लेम पे बनाएंगे। बड़ा अच्छा सा ये ग्लेज बन जाता है। आप इसको केक में यूज़ करें, फिलिंग में यूज़ करें। तो सीज़न भी है इसलिए मैंने कहा कि चले आप लोगों को सिखाती हूँ, ये रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये लगे नहीं, जले नहीं, और स्लो फ्लेम पे बनाएंगे हम। थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अच्छा, जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो आपने इसको ठंडा करके यूज़ करना है। थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो इसको दोबारा से हल्का सा गर्म करके और दोबारा से चम्मच चला के इसको आप यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाला है तो थोड़ा थिक हो जाएगा। अब ये देखें थोड़ी शाइनिंग भी आने लग गई है इसके अंदर। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको कुक करेंगे। ये देखें ये इस तरह से हमें चाहिए। अब ये देखिए ये मैंने निकाल लिया है। अब इसको आप जो है वो ठंडा करके कूल डाउन करके और जो है फिर यूज़ करेंगे। अगर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।